बापू, मेले से मैं क्या लेकर आई हूँ? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। तारा का खिलौना कुछ भी नहीं है बापू, मैं तो इससे भी सुंदर चीज लाया हूँ। अच्छा, ऐसी क्या खास चीज लाए हो? जरा मैं भी तो देखूं। ये देखो मैं क्या लाया। ये? हाँ, है ना ये बहुत सुंदर। मैंने इसका नाम बड़ी रखा है। बड़ी, बापू और मेरे दोस्तों को हेलो बोलो। अच्छा, सब एनिमल्स हमारी तरह नहीं होते सूरज, बोलने वाले। और नहीं तो क्या? नहीं, ये सचमुच बोलती है। लगता है सबको देखकर शर्मा रही है। देखना, एक बार तुम सबसे फ्रेंडशिप हो गई ना, तो मेरा नाम क्या, तुम सभी का नाम पुकारेगी मेरी बड्डी। मगर सूरज, पंछी आसमान में उड़ते हुए अच्छे लगते हैं, पिंजरों में नहीं। बापू, आसमान में तो वो इतने दूर रहते हैं, और दूर से हमें कोई चीज सुंदर कैसे लग सकती है? चलो बड़ी, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ? हाँ, तुम्हारे लिए ये जगह अच्छी रहेगी। ये लो तुम्हारी फेवरेट मिर्च। मैं खिलाऊँ? ओ, ये लो बड़ी, चने। अरे, तुम खा क्यों नहीं रही हो? ये सब मैं खास तुम्हारे लिए लाया हूँ। लगता है इसे भूख नहीं है। कोई बात नहीं, इसे यही रोक दो, ये बाद में खा लेगी। ओहो, लगता है अपने नए दोस्त से खूब बातें हो रही हैं। सूरज का बड़ी तो कुछ बोलती ही नहीं है, तो बात कैसे होगी? हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ, जब तुम्हारा बड़ी बोलने लगेगा तब हमें बताना। चलो चलो। देखिए ना बापू, बड़ी ना ही मिर्च खा रही है, ना ही चने। एक मिनट बापू, जरा बापू को मेरा नाम लेकर तो दिखाओ। बोलो बोलो ना, सूरज सूरज, क्या हुआ, मन नहीं है? अच्छा तो डांस करके दिखाओ। डांस भी नहीं करना? कोई बात नहीं सूरज, हो सकता है कि वो पिंजरे में बंद होने से उदास हो गई हो। नहीं, ये बिल्कुल उदास नहीं है, ये तो मेले में भी पिंजरे में ही थी, मगर वहाँ तो गाना गा रही थी, ची 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 ची, ऐसे ऐसे करके डांस कर रही थी, सबके नाम बुला रही थी, मेरा नाम भी बुलाया था एक बार। अच्छा, तो हो सकता है कि वो थक गई हो, उसे थोड़ा आराम कर लेने दो। हाँ, ये हो सकता है, मगर देखना बापू, बड़ी गाना भी गाएगी और मेरा नाम भी बुलाएगी, फिर मैं आपको बुलाऊंगा। जरूर सूरज, अभी तुम अपने दोस्त बड़ी के साथ साथ तुम भी थोड़ा आराम कर लो। हमें अलग देखने के लिए बॉडी बनानी होगी। मेरे दोस्तों के साथ साथ बापू को भी लगता है कि तुम डांस नहीं कर सकती, मेरा नाम भी नहीं बुला सकती। हाँ? सूरज, सूरज बोला तुमने, वाओ। बापू! 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 क्या हुआ सूरज? बड़ी ने मेरा नाम लिया। बड़ी, बापू को मेरा नाम बताओ। सुना आपने बापू, बड़ी ने सूरज बोला। सूरज, तुम्हारा नाम चिन 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 है? नहीं नहीं, शायद चाइनीज में सूरज को चिन चिन बोलते होंगे। सूरज? हा? वो तो सिर्फ चहचहा रही है। नहीं बापू, बड़ी ने मेरा नाम लिया, आप ध्यान से सुनिए ना। चीन चीन चीन, देखा सूरज, मैंने भी तुम्हारा नाम लिया। बापू! मैं सच कह रहा हूँ बापू, बड़ी ने अभी गाना गाया। बड़ी, अभी जो गाना तुम्हें मुझे सुनाया वो बापू को सुनाओ ना, प्लीज। देखा? बड़ी डांस कर रही है, सी।
सूरज वो डांस नहीं कर रही है, बल्कि वो पिंजरे से बाहर निकलना चाह रही है। नहीं, ये डांस कर रही है। मेले में भी उसने ऐसी ही डांस किया था। हाँ, सूरज, शायद तुम उससे अपना नाम सुनना चाह रहे हो, गाना सुनना चाह रहे हो, या फिर डांस देखना चाह रहे हो, इसलिए तुम्हें उसकी हर चीज वैसी ही दिख रही है। आप लोगों को तो मेरी बातों का विश्वास ही नहीं हो रहा। चलो बड़ी, हम लोग बाहर खेलते हैं। मेरी तो कोई बात ही नहीं मानता, और तुम भी मेरे कहने पे एक अच्छा सा गाना भी नहीं सुना सकती। मुझे तो कल लगा कि बड़ी सचमुच गाना गा रही है। मुझे भी आइडिया। तुम्हें याद है बापू ने क्या कहा था? चिड़िया आसमान में अच्छी लगती है, पिंजरे में नहीं। यानी कि बड़ी फुर। चलो, अभी तो सूरज का है गुड मॉर्निंग भी नहीं हुआ होगा। चलो। बड़ी, बापू, बड़ी उड़ गई। बड़ी उड़ गई। बड़ी, बापू, बड़ी उड़ गई। बापू उड़ गई? कैसे? मुझे नहीं पता। खुश होने के बजाय तुम दुखी क्यों हो रहे हो? मतलब? तुम्हें याद है सूरज, जब तुम बहुत छोटे थे तुम गलती से कमरे में बंद हो गए थे। हाँ बापू, कितना परेशान हो गया था मैं उस दिन। मम्मी, पापा, दरवाजा खोलो। बापू, मम्मी। बस बेटा, हम अभी दरवाजा खोल रहे हैं। अब जरा सोचो, अपने ही घर में कैद होने पर जब तुम इतना दुखी और परेशान हो सकते हो, तब अपने घर वालों से इतनी दूर एक पिंजरे में बंद बड़ी कितना दुखी होगी, अपने घर वालों को कितना मिस करती होगी। लेकिन बापू, मैं तो उसे कितना मिस कर रहा हूँ। मुझे बड़ी चाहिए बापू, मुझे बड़ी चाहिए। अच्छा अच्छा, रोते नहीं। आज तुम्हें मैं ऐसी जगह ले चलूंगा जहाँ एक क्या बहुत सारे बड़ी मिलेंगे। सच्ची? मगर मुझे बहुत सारे बड़ी नहीं, अपनी बड़ी चाहिए। अब ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। आओ यहाँ बैठे, अब मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। वाह बापू। बापू, मैं भी दाना डालू? क्यों नहीं, ये लो। सूरज, मुझे भी खिलाओगे क्या? ये किसने मेरा नाम पुकारा? हाँ, ये तो बड़ी की आवाज है। सूरज, सूरज। वाओ बड़ी, देखा बापू, अब तो आपको विश्वास हो गया ना? बिल्कुल सूरज। नहीं, ये तो सचमुच बोलती है। बाय सूरज। बाय बड़ी, कल फिर से आना। आज तुम्हारी बड़ी तो बहुत खुश लग रही थी। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा, इसीलिए उसने मेरा नाम भी बुलाया, डांस करके भी दिखाया। क्या पता वो इसलिए खुश हो क्योंकि वो पिंजरे से बाहर अपनी फैमिली के साथ हो। हाँ बापू, ठीक वैसे जैसे उस दिन मैं बंद कमरे से बाहर निकलकर खुश हुआ था। बिल्कुल सूरज।
अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। अपने बड़ी से दोबारा मिलवाने के लिए थैंक यू बापू। अब तो मैं रोज अपने बड़ी से यहाँ मिलने आऊँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खुद को जो ना लगे अच्छा, करो नहीं वो काम। सबकी आजादी का हमको रखना चाहिए ध्यान।